जनाब सरपंच साहब काफी ठीक ठाक हो चलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद गंगा जी साडे डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे जी साडे जनरल सैकटरी अमित दुबे जी साडे डीडीसी चेयरमैन केशव शर्मा जी सारे दा मिले उन्हें सानू टाइम दिता वक्त दिता इत्थे आने दा अस बड़ा शुक्रगुजार हुंदे कि वह साढ़े बिच आए न साडे लोग एक्शन लोग आए हैं जो साडा जिहड़ा इह महल्ला इह पीजी दा महल्ला और साडे एसपी साहब जी रहेगी पहले इतों के साडे सरपंच बलदेव राय जी इन्हें आखन कि अपनी गल रखन सरपंच साहब जुगल किशोर शर्मा जी दो बार दे जम्मू कश्मीर विधानसभा के विधायक और दुई पारी जड़ी है वो लोकसभा पूरी कर रहे ने स्वागत करती हूँ और सम्मानित मंच आज मैं भाई साहब आपको ये बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही यत्न के बाद ऐसा मौका मिला है आज 2.5 साल में नहीं है कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होता सारा वार्ड बिच हो जाए कोई इंया प्रोग्राम सच चला रहा और जनाब ने कने मैं मैडम जी ने तो ये हमारा संसदीय क्षेत्र है और आज संसदीय क्षेत्र के अंडर ये जो विधानसभा विजयपुर और विजयपुर का भी गांव थलोड़ी जो है यहां पर हम उपस्थित हैं लोगों से मिल रहे हैं उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। ये हमारा टूर प्रोग्राम जो है वो आज पूरा दिन विजयपुर में रहेगा और हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं हमारे केशव जी चंद्रप्रकाश गंगा जी जय शर्मा जी और शिल्पा दुबे जो जहाँ की डीडीसी हैं इन्होंने ही ये कार्यक्रम बनाया है और आज आपने देखा कि जहाँ पर हम खड़े हैं जहाँ पर अच्छी संख्या में माता बहनें और भाई लोग भी आए हुए हैं और हमारा टूर प्रोग्राम विकास के कामों को लेकर जो है वो रहता है और आपने सुना होगा कि जो विकास के कार्य जहाँ पर चल रहे हैं चाहे वो फ्लाईओवर्स हों चाहे वो एक्सप्रेस वे रोड हो चाहे वो नेशनल हाईवे हों या फिर एम्स हो या फिर दूसरी जो नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री की योजनाएं उन सब का लाभ जो है ना इस क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का है, लोगों का यही कहना है कि भाई आने वाले दिनों में भी नरेंद्र भाई मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ एक बात जो आपने कही कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे जो नौजवान जिन्होंने शहादत पाई है हमें दुख है इस बात का और ये भी प्रण है भारतवासियों का कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, उसका बदला लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस रजौरी वाली आतंकवादी घटना को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत वहाँ से लौटे, जहाँ पर आकर समीक्षा की, उन परिवारों के साथ भी मिले, हौसला अफसाई की नौजवानों की। यह दर्शाता है कि वही भारत जो है इन घटनाओं को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसका जो है वो खुमियाजा भुगतना होगा।